चुके हैं सिंगापुर में, बैंकॉक में, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे गर्ल्स गेट टू स्लॉश्ड और उनके ड्रिंक्स में कुछ डाल दिया जाता है जो मूवीज़ में भी दिखाते हैं, जो सही होता है. कई हद तक चीज़ें ऐसी इंसिडेंट्स हो चुके हैं एंड इलीगली ऑर्गन्स निकाल के अब अगर लड़की खुद के कंसेंट से बंदे के साथ जा रही है, व्हाट केस विल यू फाइल अगेंस्ट इन द कोर्ट दैट ये किडनी गई है या ये बंदा था, या देर इज़ नो केस. सो इट्स जस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द पीपल दैट यू कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट एनीबडी रैंडमली इवन इन अ क्लब, इवन इफ यू थिंक दैट द पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैसेज. आई लव द फिल्म. आई थिंक जैसे शैलेंद्र जी ने जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, उन्होंने पहले बताया कि एक कॉज है, एक सोशल मैसेज है. एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें होती है. तो आई थिंक एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. आप एक क्लब में जाते हो, आपके साथ क्या हो सकता है. आई थिंक वेरी वेल मेड फिल्म, बहुत ही अच्छी लगी. और मेरे भाई को इस रूप में मैंने कभी नहीं देखा. सो फैंटास्टिक. आई थिंक बख्तियार ने यह फिल्म करके बहुत एक अपने इमेज को भी बदला है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज बीन डूइंग लाइट हार्टेड कॉमेडी, करता है लाइट हार्टेड रोल्स करता है. और अभी ऐसी फिल्म में ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ऐसा इवलिश पार्ट करके मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि ओ माई गॉड, ही कैन डू दिस ऑल्सो, यू नो. सो बहुत अच्छा लगा. ओवरऑल द फिल्म इज़ वेरी गुड एंड एवरीबडी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड बख्तियार, यू वर सुपर्ब. ड्रिंक्स, ड्रामा, धोखा, ये अक्सर निजी ज़िंदगी में होता ही है. पहले लोग तो बहकावे में आके बहुत सारा ड्रिंक्स पी लेते हैं जब वो लोग बाहर जाते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ड्रामा होता ही है. हमें अक्सर पता होता है कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वी कांट कंट्रोल आर सेल्स. और फिर उसके बाद अगर कोई आपके साथ धोखा करना चाहता है तो वो आइडियल मोमेंट हो जाता है. आई एम वेरी हैप्पी कि बख्तियार ने ऐसी फिल्म चूज़ की है, बिकॉज अक्सर लोग जानते नहीं हैं लेकिन बख्तियार इन चीज़ों से सख्त नफरत करता है. वो खुद कभी नहीं पीता. बख्तियार इज़ अ कम्प्लीट टीटोटर और वो ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, और ऐसी हरकतें वो कभी करता नहीं है. और जो ऐसी हरकतें करता है एक्चुअली ही डजंट लाइक इट एट ऑल. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब ये रोल उन्हें ऑफर किया गया था.